वेलकम टू माई बेड, वेलकम टू स्टे काम एंड कंबल। इससे पहला ऐसा किसी ने भी कुछ नहीं किया, समझ गए। तुम लोग सोच रहे हो कि भाई तुम इतने दिनों से कहाँ थे, तो भाई मैं काम ढूंढ रहा था यार ज़रा, क्योंकि बहुत पढ़ाई कर ली भाई। बीकॉम सेकेंड ईयर कर लिया मैंने। बीकॉम सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम है मेरे साथ, बहुत पढ़ाई हो गई भाई, अब नहीं हो रहा, इसलिए मैं काम ढूंढने के लिए निकल गया। और तभी मैं इतना इनकंसिस्टेंट था, और फिर मैंने अप्लाई किया एट इंटर्नशाला। यस, आज ही अप्लाई किया था मैंने, और आज ही उनका रिप्लाई भी आ गया। तो हुआ यूँ कि मैं ऐसे ही किसी रैंडम अकाउंट की वीडियो देख रहा था, और उसमें उस बंदे ने बोला कि आई अप्लाइड फॉर इंटर्नशिप एट इंटर्नशाला। तो मैंने कहा ओ, ये तो मैं भी कर सकता हूँ। तो मैं इंटर्नशाला पे गया, और मैंने सोचा, बिग ब्रेन टाइम, मैंने सोचा कि मैं क्यों ना इंटर्नशाला में ही इंटर्नशिप के लिए क्यों ना अप्लाई कर दूँ। समझ रहे हो ना तुम बात को, कि इंटर्नशाला में जॉब। तो मैंने उसके लिए आज अप्लाई किया था, और भाई 4 घंटे की मेहनत के बाद पूरा वहाँ पर पूरा एप्लीकेशन डिटेल भरी, और न जाने क्या क्या, वो उन्होंने पता नहीं कुछ सोशल मीडिया मार्केटिंग की जॉब थी। मैंने कहा भाई ये तो मेरे लिए परफेक्ट चीज़ है भाई, क्योंकि मैं सोशल मीडिया में घुसे रहता हूँ जिंदगी पूरा, मतलब पिछले 2-3 सालों से सोशल मीडिया में घुसा हुआ, मेरे को तो ये बिल्कुल परफेक्टली सूटेड जॉब है मेरे लिए। तो मैंने उसके लिए अप्लाई किया वहाँ पर, और उन्होंने मुझसे पता नहीं क्या क्या मांगा, मीम्स मांगे कोई करंट टॉपिक पर, और पता नहीं अलग अलग टाइप की चीज़ें मांगी। और भाई मेरे को तो मैंने बनाए भाई, मैं 4 घंटे उनके पूरी एप्लीकेशन फिल करी, मैं क्या करता हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने कहाँ से पढ़ाई करी है, और क्या क्या ना जाने। और उसके बाद रिज़ल्ट की बारी आई, और भाई मैं फेल हो गया। लेकिन और 1 घंटे में रिज़ल्ट आ गया भाई, और इसमें खासियत भी थोड़ा अच्छा भी लगा मेरे को, कि उन्होंने मेरे को लटकाए नहीं रखा, और सीधे सीधे मना करते हैं दफ़ा हो जाओ भाई तुम यहाँ से। मैं इतना खुश था यार, एक दिन तो रुक जाते, मैं थोड़ा फ्लेक्स कर लेता लोगों के सामने कि भाई मैंने इंटर्नशाला में इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर रखा है। लेकिन नहीं, उन्होंने तो 1 घंटे में रिप्लाई देना है। उनके वहाँ से रिप्लाई क्या आता है कि तुम्हारी इंग्लिश ख़राब है। भाई मैंने क्रिश्चियन स्कूल से पढ़ाई करी है, समझ रहे हो, बिगेस्ट फ्लेक्स ऑफ माय लाइफ कि मैंने सेंट थेरेसा स्कूल से पढ़ाई करी है, क्रिश्चियन स्कूल से, तो मेरी इंग्लिश कैसे ख़राब हो सकती है। ओ बट ऐसा ही कुछ हुआ, और मैं फेल हो गया। तो बस एप्लीकेशन सबमिट करी थी मैंने, और उन्होंने सीधे मना कर दिया। भाई मैं क्या अपने सपने सजाए हुए रखा था कि वो मुझसे पूछेंगे मयंक वाई शुड बी हाई यू, और मैं उन्हें कुछ फिल्मी सा जवाब देता। मैंने तो भाई सपने सजाने से पहले ही तोड़ दिए सारे। अभी मैं किसी के सामने रो सकूँ ऐसा भी कोई नहीं है, इसलिए मैंने कैमरा खोल लिया, क्योंकि कैमरा तो भाई जज भी नहीं करेगा ना, इसके सामने रोऊंगा तो कैमरा बेस्ट चीज़ है। और मैं इस वक्त खजूरें खा रहा हूँ, ये पैरेललोग्राम के शेप के होते हैं, पता नहीं, और ये कुछ पहाड़ी है ये, अगर तुम उत्तराखंड के नहीं हो तो तुम्हें समझ में नहीं आएगा, अच्छे होते हैं। और जैसे मैंने तुम्हें बताया कि मैं इसी वजह से इनकंसिस्टेंट था, क्योंकि मैं ट्राई कर रहा था जॉब ढूंढने की। मैं सोचा था कि एक अच्छे से पूरी अच्छी बिल्कुल बढ़िया सी वीडियो बनाऊंगा एक, कि मैं क्यों इनकंसिस्टेंट हो गया हूँ। बट मेरे को लगा भाई अब इससे अच्छा वो क्लिकबेट टाइटल थोड़ी मिलेगा, व्हाई आई गॉट रिजेक्टेड फ्रॉम इंटर्नशाला। यस, समझे तुम बात को। और क्या भाई, अब खजूरें खाएंगे और क्या करें।